भारत और कनाडा के रिश्तों में तलखी बढ़ती जा रही है। इन ए टिट फॉर टैट मूव इंडियन गवर्नमेंट ने देश में मौजूद कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है। उन्हें देश छोड़ने के लिए 5 दिन का वक्त दिया गया। दरअसल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया था। ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख कम्युनिटी के लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। उनकी सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया जो कनाडा में इंडियन इंटेलिजेंस के चीफ थे। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी लीडर था। खालिस्तान मूवमेंट की बात करें तो ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो खालिस्तान नाम से एक एथनो रिलीजियस सॉवरन स्टेट की स्थापना करके सिखों के लिए एक होमलैंड बनाना चाहता है और ये मूवमेंट कनाडा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज ऑफ 2021 पूरे कनाडा की पॉपुलेशन में 2.1% संख्या सिख नागरिकों की है, यानी कोई 800,000 सिख नागरिक वहाँ पर है। इसके अलावा जो वर्क परमिट पर हैं, जिनके पास PR है यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी है, या जो विजिटर वीज़ा के जरिए वहाँ है, उनकी संख्या अलग है। कनाडा भारत से एरिया वाइज 3 गुना बड़ा है और पॉपुलेशन में दिल्ली NCR की पॉपुलेशन के बराबर है। ऐसी स्थिति में 800,000 की सिख आबादी बहुत बड़ी होती है। कनाडा में सबसे बड़ी सिख आबादी ओंटारियो में पाई जाती है, इसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में है। सिख चौथा सबसे बड़ा रिलीजन है और इंडिया के पास सिखों की कम्युनिटी सबसे ज़्यादा कनाडा में ही है। इसलिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि सिखों की बढ़ती कनाडा में पॉपुलेशन कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। सिख वहाँ पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव है। 338 मेंबर्स वाली कनाडा की पार्लियामेंट में 18 सदस्य सिख हैं। इसके अलावा हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, यहूदी और चीनी भी हैं, ईसाई तो खैर है ही। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी मेजॉरिटी से 14 मेंबर दूर है। ये भरपाई जिस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से होती है, उसके प्रेसिडेंट जगमीत सिंह खुद एक सिख हैं और सिखों को उकसाने के पीछे उनका भी हाथ है। साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो जब पहली बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने अपनी कैबिनेट में 4 भारतीय चेहरे भी शामिल किए थे। अब भले इसे संयोग कहें या कुछ और कहें, लेकिन हर एक को यही लग रहा था कि ट्रूडो ने सिखों को तरजीह दी है क्योंकि वो 4 भारतीय सिख थे। इन चेहरों में से एक तो डिक्लेयर्ड खालिस्तानी सपोर्टर था और उनकी लिबरल पार्टी से ही था। वो ट्रूडो का करीबी कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर था। उसी समय जस्टिन ट्रूडो टोरंटो में खालिस्तान समर्थक एक संगठन के कार्यक्रम में भी गए थे। खैर, कनाडा की इकोनॉमी की बात करें तो कनाडा की इकोनॉमी अनएक्सपेक्टेडली सेकेंड क्वार्टर में 0.2% की एनुअलाइज्ड रेट से कॉन्ट्रैक्ट हुई और जुलाई में ग्रोथ सबसे ज़्यादा फ्लैट रही। इसके रिजल्ट से ये पता चलता है कि आने वाले महीनों में रिसेशन की एक सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी है। ऑल्सो राइजिंग इन्फ्लेशन एंड हिस्टोरिकली हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है, जिसने जून में समाप्त 3 महीनों में लगातार 5वें क्वार्टर में भी कमी दर्ज की है। एमिड द इकोनॉमिक टर्मोइल सबसे ज़्यादा असर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर पड़ेगा, जबकि 2023 वो साल रहा जहां बड़ी एमएनसीज ने लाखों नौकरियों में कटौती की है। नौकरी में कटौती का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आमतौर पर माइग्रेंट्स या टेम्परेरी वीज़ा वाले लोगों पर पड़ता है। भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक स्ट्रेन्स अब व्यापार संबंधों को भी खतरे में डाल रहा है। प्रपोज ट्रेड डील पर बातचीत अब रुकी हुई है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक 2022 में बायलेटरल ट्रेड कनाडा के कुल कनाडाई डॉलर 1.52 ट्रिलियन में से केवल कनाडाई डॉलर 13.7 बिलियन था। भारत और कनाडा के व्यापारिक रिश्तों पर नजर डालें तो 2022-23 में भारत ने कनाडा को 4.10 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था। इससे पहले 2021-22 में 3.76 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया। अगर कनाडा से बात कर ले तो कनाडा ने भारत को 2022-2023 में 4.05 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया और 2021-22 में 3.13 बिलियन डॉलर की जो चीज़ें थी वो एक्सपोर्ट हुई थी कनाडा से इंडिया में। खैर, इस मामले के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में और ज़्यादा तलखी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इंडियन गवर्नमेंट का टिट फॉर टैट मूव आपको कैसा लगा, हमें आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इस पर आपकी क्या व्यूज़ हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।